चोली जय माता दी, हरि हरि जय माता दी, चक्कर लड़ी जय माता दी। एक मंदिर है ओमकारेश्वर मंदिर एंड वो डोली यात्रा यहाँ से स्टार्ट होगा कल मॉर्निंग में। इतना ब्यूटीफुल व्यू है ना, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो भाई भाई भाई, हमारे साथ तो स्कैम हो गया, बस वाले ने स्कैम कर दिया। इस बस में चोर है कभी। ओह कितना ब्यूटीफुल व्यू है इधर, क्या मस्त दिख रहा है। पानी का फ्लो भी बढ़ गया है और वहाँ पे कलर भी चेंज हो गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज 6:30 इन द मॉर्निंग। हम लोग आज निकलने वाले टूवर्ड्स उखीमठ। उखीमठ जाने के लिए हम लोग यही से बस मिलेगा। दिन में दो ही बस है शायद, एक तो सुबह 7 बजे का कुछ है एंड एक दोपहर का 2 बजे का है, तो इसीलिए निकलने वाले सो विदाउट फॉर अडू लेट्स स्टार्ट द व्लॉग गाइस। सो व्हाट इज अप ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है दिल एंड हबीब है। ये लोग तो सुबह-सुबह गंगा नहा के आ गए पता है क्या दोनों। अभी अपन निकल गए एकदम टाइम पे क्योंकि अभी बस मिलने का टाइम है बाहर, अभी मिल गया तो मिल गया, नहीं तो 1:30 बजे तक, वरना फिर यहां से हमको क्या करना पड़ेगा पता है क्या, रुद्रप्रयाग जाना पड़ेगा अगर बस छूट गया तो। इतना नहीं घूमेंगे, एक ही बस पकड़ेंगे डायरेक्ट उखीमठ। बहुत मस्त दिख रहा है यार उखीमठ, आते ही बस मिल गए। बैठने के लिए क्या, खड़े रहने के लिए? मैं एक्चुअली अंकल 3 आदमी का 450। एक मिनट आगे पीछे होता तो ये बस निकल जाती और सीधा दोपहर को 2 बजे से। ये लड्डू नहीं जिंदा रखा है भाई, दो तीन इनकी वाइफ ने बना के दिया है, मगर लड्डू पावरफुल है, सुबह सुबह खाने के बाद में ड्राई फ्रूट का लड्डू है बहुत। वो सामने समोसा वाला दिख रहा है, गर्मा गर्म समोसा बन रहा भाई, वहाँ पे गर्मा गर्म समोसा बन रहा था, बस रुकी है 5 समोसे मिल गए भाई। बैठे बैठे नहीं ला रहा था, बोला समोसा, बोला नहीं दूंगा, बोला 4 चाहिए, बोला नहीं 4 नहीं, बोला 5 दे दे भाई, 5 दिए। खचा खच भर गया है ना पूरा, पूरा खचा खच भर गया है। 10 रुपए के तो वहाँ सुबह का नाश्ता हो गया गर्मा गर्म। अरे भाई भाई भाई, हमारे साथ तो स्कैम हो गया, बस वाले ने स्कैम कर दिया हमारे साथ। उखीमठ बोला और रुद्रप्रयाग में छोड़ दिया, बोलते यहाँ तक जाएगी, यहाँ से दूसरी कर लूँगा। सुबह बोल रहा था उखीमठ तक जाएगी, बोला ना उसने, उससे पूछा उन्होंने क्लियरली उखीमठ तक जाएगी, बोला हाँ उखीमठ तक जाएगी। अब बोल रहा है कि रुद्रप्रयाग की बस है, यही तक काटा था मैंने, स्कैम कर दिया। देवभूमि में चीटिंग कर रहे लोग बैठ के इधर। हाँ इस बस में है, इस बस में चोर एक नंबर का। ये उखीमठ के लिए छोटी गाड़ी चाहिए, अभी बस भी जाती है टाइम टू टाइम है। एक चाय पी लेते यार, और गाड़ी में जा रही है वाली 150 रुपया यहाँ से रुद्रप्रयाग से 43 किलोमीटर उखीमठ है। पहले हरिद्वार से आए हम लोग ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से अभी उखीमठ। अभी आप लोग आओगे तो डायरेक्ट आ सकते हो, वहाँ क्या डायरेक्ट ऋषिकेश से ही मिल जाएगा, इतना घूम के आने की जरूरत नहीं है, घूम के आने की जरूरत है, मजा तो आई हम लोग को बहुत। और देवप्रयाग से डायरेक्ट उखीमठ के लिए बस मिलती है, जब बस पे चढ़ो तो पूछ लेना भाई डायरेक्ट जाएगी कि आप लोग ऐसे बीच में छोड़ दोगे। हम लोगों ने वो गलती की कर दिया कि पूछा नहीं, आप लोग वो गलती मत करना, आप लोग पूछ के आना बराबर से कि भाई डायरेक्ट उखीमठ जाएगी तो ही बैठो बस पे, वरना मत बैठो, वरना फालतू पैसा वेस्ट हो। देखो वहाँ से देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग आने 150 रुपया लग गया, अब रुद्रप्रयाग से हमको उखीमठ जाने 150 रुपया और लग रहा है, मतलब 300 रुपया शायद बस में 200 रुपये में काम हो जाता है। देखो कल यहाँ से हमारा यात्रा शुरू होगा, ओमकारेश्वर टेम्पल 8 किलोमीटर इस साइड, केदारनाथ 60 किलोमीटर उस साइड, टोटल वहाँ से पैदल यात्रा 68 किलोमीटर सामान के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइनली 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 उखीमठ पहुँच गए हम लोग। ये देखो ये उखीमठ का मेन स्टॉप है एंड यहाँ से जस्ट बहुत पास ही है मंदिर, वो थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे, पहले हम लोग होटल वगैरह देखते हैं, रूम्स वगैरह देखते हैं, कहाँ पे क्या रहना है, कैसे रहना है, क्या करना है यहाँ पे आज का पूरा दिन, करते सर्च वगैरह करते हैं और फिर मिलता हूँ आपको होटल वगैरह बुक करने के बाद। फाइनली गाइस रूम मिल गया उखीमठ में आके,
एंड रूम तो दिखाता मैं आपको, ये देखो ये रूम है, यहाँ से छोटा सा रूम है, अभी तीन जन एक गद्दा लगा देंगे यहाँ पे, एक्स्ट्रा हो जाएगा हम लोग जस्ट वॉशरूम है वहाँ पे, छोटा सा रूम है, मगर बात रूम का नहीं है, बात रूम के बाहर के व्यू का है, इतना ब्यूटीफुल व्यू है ना, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो मंदिर है, कल जहाँ पे हम लोग को जाना है, कल नहीं आज शाम को जाना है एक्चुअली हम लोग को वहाँ पे, एंड ऊपर देखो स्नो कैप माउंटेन्स, ये देखो एकदम ब्यूटीफुल व्यू है, एंड कल जो मंदिर में जाना है ओमकारेश्वर मंदिर वो वहाँ पे है, ये देखो यहाँ से कल डोली स्टार्ट होगा एंड वहाँ जाना है हमको ऊपर गुप्त काशी यहाँ पे कहीं पे, रूम छोटा है मगर व्यू देख के हम लोग तीनों एग्री कर गए इस पे, बोले कोई बात नहीं तुम गद्दा दे दो भाई, 1200 रुपये का रूम है, मतलब अच्छा रूम है, चेयर वेयर लगाएंगे यहाँ पे बैठेंगे भी आराम से, शाम को जाएंगे मंदिर की तरफ, हम लोग को ऑलमोस्ट यहाँ पे आने के लिए कितना घंटा लग गया, 6:30 बजे निकले थे हम लोग, 11:15 बजे पहुंचे उखी मठ, तो लगभग 4-4.25 घंटा लग गया हम लोग को आने, आनी क्या नाम है आपके इसका होटल का, होम स्टे का फ्योली है ना, फूल होता ना गढ़वाली फूल, हाँ अच्छा गढ़वाली फूल होता है फ्योली, इसीलिए आपने फ्योली रखा नाम, बहुत अच्छा नाम तो अच्छा है मगर मतलब नहीं पता था इसलिए उनको पूछ लिया मैंने क्या है फ्योली मतलब फूल, गढ़वाली फूल, मस्त नहाया वाया खाना वाना हो गया हमारा, कपड़े चेंज कर लिए, बाहर निकले थोड़ा मार्केट घूमे यहाँ पे, मगर मार्केट में ऐसा जैसा कुछ है नहीं, एक मंदिर है ओमकारेश्वर मंदिर उसके लिए लोग आते हैं, और हम भी इसीलिए आए हैं यहाँ पे क्योंकि डोली यात्रा यहाँ से निकलती है, अभी आप लोग पूछोगे कि डोली यात्रा है क्या, आप में से अगर किसी को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, केदारनाथ धाम जब बंद होता है दिवाली के बाद, जब कपाट बंद होते हैं ना तो उसके अंदर एक भगवान शिव का जो पंचमुखी मूर्ति होता है ना जो केदारनाथ मंदिर के अंदर रखा होता है, उसको वहाँ से निकालते हैं, मंदिर बंद करते हैं, एंड देन वो मूर्ति आती है यहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर, और अगले 6 महीने वो मूर्ति यहीं पे रहती है। केदारनाथ मंदिर बंद करने का रीज़न ये है कि वहाँ पे पूजा नहीं कर सकते क्योंकि ठंडी पड़ जाती है, बर्फ़ बर्फ़ पड़ता है, वो पूरा मंदिर ढक जाता है कभी कभी, और पूजा करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसीलिए मंदिर से मूर्ति को निकालते हैं, वहाँ से निकाल कर ओमकारेश्वर टेम्पल में ला के रखते हैं। जब महाशिवरात्रि होता है तो वो मंदिर कब खुलने वाला है वो डिसाइड होता है, एंड देन उस दिन पे ओमकारेश्वर मंदिर से एक डोली निकलती है, उस पंचमुखी मूर्ति को लेकर डोली में डालकर यहाँ से डोली यात्रा स्टार्ट होती है टूवर्ड्स केदारनाथ, जो कि लगभग यहाँ से 68 किलोमीटर्स है, हम भी उसी डोली का हिस्सा बनने जा रहे हैं कल से, एंड वो डोली यात्रा यहाँ से स्टार्ट होगा कल मॉर्निंग में, आज रात को ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा होने वाला है, उसी मूर्ति का लास्ट पूजा यहाँ पे होगा, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे उखी मठ से, उखी मठ से जाएंगे गुप्त काशी से जाएंगे पाटा, पाटा से जाएंगे गौरीकुंड, देन गौरीकुंड से जाएंगे केदारनाथ। तो ये जो 4 दिन का जर्नी है ना वो जर्नी हम लोग पैदल यात्रा करने वाले हैं, इस जर्नी में तो मतलब यहाँ से गौरीकुंड तक तो मेरे पास सारा का सारा लगेज होगा, वो कैसे मैनेज करना है कैसे करूँगा मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, दिमाग में बार बार ख्याल आ रहा है तो कैसे करने वाला है, बट मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं मैं कैसे करने वाला हूँ, मेरे दिमाग में ना बार बार एक चीज़ आ रही है कि हो जाएगा, तू टेंशन मत ले हो जाएगा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाबा खुद ही बोल रहे हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, तू बस आ जा मेरे यहाँ पे, एंड बाकी का हम बात करते हैं ऊपर बैठ के, बहुत बात करना है अंदर ऊपर, बहुत सारे सवाल लेके जा रहा हूँ, बहुत सारी बातें जो करनी है, एंड देखो फिर इमोशनल हो गया मैं, तो बहुत सारी बातें जो करनी है मेरे को जाके, एंड बहुत सारे सवाल है मेरे वो पूछना है, तो इसीलिए जा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगा और वहाँ जाके मिलूँगा, कष्ट होगा मगर महादेव कभी भी इतना ईजीली नहीं मिलते, महादेव को पाने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है, एंड एक और चीज़ है जो कल बताऊंगा मैं आपको, अब तक मैं बहुत डरा हुआ उस चीज़ से, कल पता नहीं कैसे होगा मुझसे, मैं बहुत मतलब अंदर से घबराहट आ रहा है, बट मैं वो कल बताऊंगा आपको, आज रात भर सोचता हूँ डिसाइड करता हूँ, उसके बाद मैं कल बताता हूँ आपको क्या है करके, फिलहाल आज का जो प्लान है वो मंदिर में जाने वाला प्लान है, हम मंदिर में जाने वाले हैं, एंड यहाँ पे एक और मंदिर है भैरव बाबा का मंदिर, ये दिख रहा है आपको, ये मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर भैरव बाबा का मंदिर है जो कि यहाँ से बहुत पास है, बहुत पास तो नहीं बोलूँगा मतलब पास से यहाँ से जा सकते, यहाँ से कहीं से उसका रास्ता है, यहाँ से कहीं से रास्ता है, एंड देन उस मंदिर में जाना है वहाँ पे, ये देखो वहाँ पे जाना है, फिर उसी रास्ते से उतर के
ओमकारेश्वर मंदिर में जाना है यहाँ पे। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, पूरा 3-3:30 बजेगा निकलेंगे, भैरव बाबा के मंदिर में जाएंगे, भैरव बाबा से मिलेंगे एंड देन वहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर में जाएंगे एंड अपने बाबा से मिलेंगे, वहाँ जाके फिर बैठेंगे थोड़ा, आज पूजा वूजा होगा, मस्त करेंगे, फिर बाद में रात को आएंगे। मज़ा आने वाली है, ब्लॉग देखते रहो, बहुत सारी नई नई चीज़ें देखोगे आप आज, तो होपफुली आपको मज़ा आएगा। तो लेट्स सी, लेट्स गो, लेट्स रॉक। अब निकल गए यार वहाँ से टूवर्ड्स मंदिर के लिए एंड बहुत ऐसे ही रास्ता है, सब ऐसे 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 ही रास्ता है, वहाँ पे कहीं पे मंदिर है। बहुत कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप लोग आओगे तो पूछ के आना बार बार, वरना आप लोग डायरेक्ट वो ओमकारेश्वर मंदिर में पहुँच जाओगे, भैरव मंदिर पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो पूछ के आना जब भी आओगे तो, एंड सही रास्ता बता देंगे लोग यहाँ पे, और बराबर से पूछना भैरव बाबा के मंदिर जाना है, अष्ट भैरवनाथ मंदिर, तो रास्ता मिलेगा। पहुँच गया फाइनली, क्या दिख रहा है यार यहाँ से मंदिर, बहुत मस्त। मगर थक गया मैं, आज इतना थक रहा हूँ, कल से तो असली परीक्षा स्टार्ट होगी, अब क्या होगा, ये तो कुछ भी नहीं था यार, नॉट इवन 2 किलोमीटर, कल से तो 15-17 किलोमीटर करना है कल से, वो भी रोज़ बैग के साथ, खाली हाथ नहीं, 2 बैग होगा, लगभग 20 किलो है उसका वज़न, और मेरा वज़न कम होने वाला है। अष्ट भैरवनाथ का मंदिर है यहाँ पे, बहुत पावरफुल है एंड भैरवनाथ का मंदिर मोस्टली जगह की हिफाजत के लिए होता है, इस जगह की हिफाजत का काम ये बाबा का है। हमको कल यहीं से मतलब जर्नी स्टार्ट करना है, तो हमको भी सलामत की ज़रूरत है, तो इसीलिए आ चुके हैं हम यहाँ पे, ताकि आगे का जो जर्नी हो वो एक नंबर, बिना कोई प्रॉब्लम के अच्छे से हो जाए पूरा जर्नी कल का, कल से। हाँ, जय बाबा भैरव, जय बाबा भैरवनाथ, हर हर महादेव। फाइनली निकल रहे यहाँ से यार, हाँ निकलते यहाँ से डायरेक्ट अभी सामने जाते अपन, और बहुत ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है यार, बहुत बहुत मजा आ रही देख के। हम लोग एक्चुअली ओमकारेश्वर मंदिर में आ गए एंड बहुत जोरदार, देखो मेरे पीछे ही है, बहुत जोरदार अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम लोग देखो वहाँ थे भैरव बाबा के मंदिर में, वहाँ थे देन वहाँ से यहाँ पे है, अभी थोड़ी देर में आरती स्टार्ट होगा, आरती करेंगे और फिर निकल जाएंगे एंड फिर कल सुबह आएंगे एंड यात्रा स्टार्ट करेंगे। अभी कल सुबह यात्रा कितने बजे स्टार्ट होने वाला है उसका टाइमिंग अब तक ऐसा किसी को फिक्स नहीं, कोई 6, 7, 8, 9, 10 बोल रहा है तो फिक्स नहीं है। हम लोग आ जाएंगे जल्दी मॉर्निंग में, क्योंकि हम लोग को वहाँ पर रुके तो कोई मतलब नहीं है, नहा धो के मस्त रेडी होके चकाचक आ जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद देखते जब यहाँ से डोली निकलेगी तो डोली के साथ निकल जाएंगे, देखते फिलहाल आरती के लिए रुकते हैं, अभी आरती होने दो। Oh,
तो फाइनली गाइस होटल आ गए हम लोग, अभी जस्ट पहुंचे थोड़ी देर पहले, फ्रेश वेश हुआ मस्त एंड खाना वाना हो गया। खाना अगर आप लोगों को खाना है ना उखी मठ में आके, तो बहुत कम ऑप्शन है आपके पास खाने के लिए। बहुत सारे के पास चाउमीन और मोमो मिलता है ज्यादा करके, और कुछ नहीं मिलता है। एक आध जगह रहेगा जहाँ पे आपको राइस वो सब मिल जाएगा, थाली वाली वो मिल जाएगा, मतलब मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट जितना मैंने देखा। होटल बहुत सारे मगर खाने का ऑप्शन कम है। एक आध जगह पे नॉनवेज, अभी नॉनवेज के लिए मैं गया नहीं, क्योंकि जब से ये स्टार्ट किया है नॉनवेज मैंने नहीं खाया है, एंड ये खत्म होने तक शायद मैं नॉनवेज नॉनवेज नहीं खाने वाला हूँ। अब बाबा ने बुलाया है तो हम भी एकदम स्वच्छ शुद्ध होके जाएंगे, तो इसीलिए नॉनवेज वगैरह नहीं खा रहे, और कोई भी नहीं खा रहा है हम तीनों में से। अंदर से आ गया कि नहीं खाता हो भाई, चलो छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। और मेरे को ऐसा कुछ मन भी नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा खाने का भी कुछ मन नहीं, हम लोग ज्यादा खा भी नहीं रहे। मंदिर के पास में एक होटल था, वहां पे खाया दाल राइस सब्जी, बस तीन चीज था, 120 रुपए का प्लेट था। अभी भी मंदिर में तो जलसा चल ही रहा है, यहाँ तक आवाज आ रहा है, देखो ना, ये देखो वही मंदिर, ये देखो, और फुल जोरदार आवाज आ रही है, यहाँ तक आ रही है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव वाला। तो एक और चीज है गाइस, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेहनत जा रही है, तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट कर देना हर हर महादेव। सोना भी है कल सुबह, उठना भी, अभी कल सुबह डोली का टाइमिंग तो कोई 8 बोल रहा है, कोई 9 बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है, तो उस हिसाब से निकलेंगे हम लोग, फिलहाल अभी सो जाएंगे। तो एनीवेज गाइस, इट इज टाइम टू एंड दिस व्लॉग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इन बैठे कैसे एंड मच चाहते रहो। चलो गाइस बैठे, मिलता अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।